करेंगे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है दर्शकों का? रिस्पॉन्स तो देखिए, जस्ट हमने टीजर डाला है उसमें तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। अभी तो लॉन्च हुआ ही नहीं है, आज होने वाला है लॉन्च। अभी उसके बाद देखो ये गाना क्या कमाल करता है, ये मेरे अंदर की फीलिंग है। पीपल विल लव दिस सॉन्ग, क्योंकि लोग मुझे इतना पसंद किए पूरे वर्ल्ड से। गाना भी सुपर हिट होगा, लोग पसंद करते हैं, और गाना भी इतना पेपी है कि सुने तो सब लोग झूम के नाचना शुरू कर देते हैं, इतना जोरदार गाना। ये गाने का टाइटल किसने सोचा, आपकी तरफ से है ये? देखिए मेरे साथ मेरे हस्बैंड अनूप जी पाँव से पाँव, स्टेप से स्टेप लेके हेल्प करते हैं, तो इनका था ये वर्डिंग्स कि ये रखते हैं। गाने के वर्ड्स में भी है ये शादी की तैयारी है, सो उसी से हमने पिक किया कि शादी की तैयारी है। सीमा इज रिलेटेड विद शादी सो मच कि शादी की तैयारी रखी है सब लोग, और एवरीवन शुड बी रेडी। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि मैम, जब अभी आपका टीजर आया है, इतना प्यार मिला है दर्शकों को, तो ये गाना आप कहाँ कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे? ये सारे सोशल मीडिया में होगा, और ऑडियो वीडियो एंड एवरीवेयर, यूट्यूब में एवरीवेयर होगा, एंड दिस शुड गो टू ऑल द बेनिफिट टू ऑल द डीजेज एंड एवरीवेयर, सो दैट हर शादी में और हर शादी के हर फंक्शन में बजने लायक है। द सॉन्ग इज मेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी डन, ये मेहंदी में भी जाएगा, गीत में भी, डिस्को में भी, हर जगह में, हर जगह जाएगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल में होगा, इसे सीमा ठाकुर के यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम जानते हैं मैम कि हमने देखा है आपका सीरीज इंडियन मैच में भी, इसके बाद सॉन्ग आप शूट किए, तो वाइल्ड शूटिंग आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका कुछ अलग मतलब क्या आपको अच्छा और फील हुआ उसके बारे में हमें बताइए। इस गाना क्यों बनाया मैंने उसके यस देखिए इंडियन मैच में जिनको आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रॉक कर दिया, आप 200 कंट्री में लोग जानते हैं व्हाट इज इंडियन मैच, और हर कोई ने देखा है, आप नॉन इंडियंस ने भी देखा है, कहीं भी वर्ल्ड में जाइए जस्ट पूछिए सीमा ठाकुर या इंडियन मैच में, एवरीबडी तो द होल वर्ल्ड ह्यूज फैन हो गया इंडियन मैच में की नॉर्थ इंडियन, एंड लोगों को मेरा बोलने का स्टाइल पसंद आया है, मेरे थॉट्स पसंद आया है, मेरी आवाज़ पसंद आई है, और उनने कहा कि इतने डाउन टू अर्थ तो इस टाइप का है, तो एक क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, एक क्रिएटिविटी थी कि मुझे कुछ और अभी जो है इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना है। तो बचपन से मेरे मन में था कि नहीं मुझे कुछ गाना गाना है, तो मैंने देखा कि वाई नॉट अपनी क्रिएटिविटी अपने निकालो बाहर लोगों को, हाँ म्यूज़िक ऑल्सो। तो मैं तो सभी मेरे ऑडियंस को बोलूँगी, अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो आप भी करिए, कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि हम में से सबके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, तो आप लोग उसका कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे मन में था कि मैं एक गाना गाऊँ, एंड फिर बाद में गाना देखिए बन गया कर गया, और लोगों को बहुत पसंद आया, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और जैसे कि हमने अभी रिसेंटली न्यूज़ सुना है दीपिका पादुकोण, सभी जानते होंगे, उन्होंने भी आपके बिंजिंग ऑन इंडियन मैच मेकिंग, सो उस पर आपका क्या कहना है? दीपिका इज अ गॉर्जियस हीरोइन, शी इज अ सुपर हिट हीरोइन, आई एम हर बिग फैन, और क्या बोलूँ मैं, और नंबर वन है वो दीपिका, और दीपिका ने बिंज वॉच किया है, मैं बहुत खुश हूँ हमारा इंडियन मैच मेकिंग दीपिका ने किया है, एंड सब जगह मैं भी सुन रही हूँ कि शी हैज लव्ड इट, शी इज बिंज वॉचिंग, तो थैंक्स दीपिका, वी लव यू। मुझे मौका देना कभी मैं दीपिका को मिलूँ, मैं अभी मिली नहीं हूँ, बट बहुत जल्दी आई थिंक हम लोग मिलेंगे उसके साथ, एंड थैंक्स फॉर दैट, शी हैज लव्ड इंडियन मैच। कहीं ना कहीं शादियों का सीजन चल रहा, उसको भी देख के आपने तो क्या ये सॉन्ग बनाया है? देखो भाई साहब, शादियों का सीजन तो पूरे 12 महीने है, अभी स्पेशली ये टाइम ज़्यादा, अभी जून में नहीं होगा तो अगस्त सितंबर में आ जाएगा, शादियों का तो रहेगा ही पूरा, संबंध साल भर चलते रहते, रिश्ते ये सब गाना चलते रहेगा, ये तो साल भर रहेगा। इंडिया इज नोन फॉर वेडिंग्स, वेडिंग तो रहती है तो आपके फैंस के लिए क्या लास्टली मैसेज है, जो सीमा ठाकुर को चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? पूरे वर्ल्ड में ह्यूज फैंस है, और मैं भी मेरे फैंस से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि जो मुझे लव और रिस्पेक्ट चाहिए था वो आप पूरी वर्ल्ड मुझे दे रहे, और फेम था वो तो बाई प्रोडक्ट था, बट लव एंड रिस्पेक्ट मुझे मिला है, और क्या चाहिए। और मेरा विजन था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, ऐसा कुछ क्रिएटिविटी करूँ, ऐसा पैशन करूँ जिसमें पूरे लोग मुझे जाने, लव एंड रिस्पेक्ट। तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि पूरा वर्ल्ड मुझे प्यार कर रहा है, एंड मैं सबको यही बोलूँगी कि आप लोग देखिए इंडियन मैच मेकिंग, ये गाना देखिए, एंजॉय करिए, आपको भी पसंद आएगा, और आपके अंदर
से कोई भी क्रिएटिविटी रहे तो जरूर आप उसको आगे लाइए और कुछ अपनी क्रिएटिविटी बताइए कि भाई मैं कुछ करी हूँ सर से, उसको दबाइएगा मत। ये मेरा रहेगा सबके लिए कि आप गाना जब भी आप गाना सुनोगे आप एकदम मुझे याद करोगे और आप एकदम विजुलाइज करोगे कि हाँ ये सीमा तपारे का गाना है और याद करोगे कि शो में ऐसे थी और ये गाना देखो और याद करोगे। तो यही मैं सब फैंस को बोलूँगी, आई लव माई फैंस। बस यही बात, क्रिएटिविटी गाना अगर हिट हो गया आई एम श्योर इट विल बी हिट और कोई क्रिएटिविटी निकलेगी उसमें से। हालांकि मैं पूरे वर्ल्ड में अभी स्टैनफोर्ड में येल में सब जगह मैं टॉक्स देके आई हूँ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और में और भी मुझे यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है, वो भी काम चालू है। काफ़ी ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही हूँ अभी, पेप्सी किया, बर्गर किंग किया, एशियन पेंट किया, मैनी ब्रांड एंडोर्समेंट है। तो यही मैं बोल चाहूँगी कि लोग मुझे चाह रहे हैं और क्या चाहिए। गाया सीमा तपारिया, अनु तपारिया और एक जीतू शंकर है जिन्होंने म्यूजिक दिया है और मिसेस सैनी है उसके वर्ड सही है, गाया मैंने और लिरिक्स सुन रही थी नीतू सैनी के लिरिक्स। ये शूट हुआ बॉम्बे में हुआ शूट और इट हैज बीन मेड इन द वीडियो और उसको पीछे का वीडियो शादी का है पूरा, मेरी शादी का माहौल है और बाद में हम लोगों का डांस है उसमें, हम लोग भी गा रहे हैं। कौन सी गाने की मेमोरीज भी एंजॉय द पूरा दिन लग गया हम लोग दोनों को शूट करते हुए और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सेट, बहुत खूबसूरत बना पूरे दिन में हो गया एंजॉय, मतलब थकान फील नहीं हुई एंजॉय। मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था सीमा जी का, मैं सीमा जी को ऑफ लेट ही जाने लगा हूँ, उनकी सीरीज देखकर मैं बड़ा इम्प्रेस था और मिलने का मौका मुझे अभी मिला कुछ 3-4 महीने पहले, उसके तुरंत बाद इन्होंने मुझे अपना गाना भेजा, मैंने बोला दिस शुड बी रिलीज्ड और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमने जो डिस्कस किया था वो सच्चाई में बदल गया है, इनफैक्ट इन्होंने वीडियो भी शूट कर दिया, वीडियो मैंने नहीं देखा है, कुछ तो थोड़ा सरप्राइज देना चाहिए तो मेरे ख्याल से वीडियो आज देखूंगा, लेकिन गाना बहुत अच्छा है एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हर शादी में हर संगीत में बजेगा एंड लोग इसका लुत्फ भी लेंगे एंड इसके ऊपर नाचेंगे। Thank you. Thank you. Thank you.